जो व्यक्ति हंस नहीं सकता वो व्यक्ति मनुष्य की तरह जी नहीं सकता। आपको पता है ध्यान का समाधि का सार क्या है? विचार शून्यता की अवस्था में होना। और आपको पता है अध्यात्म के वैज्ञानिक और मेडिकल साइंस कहती है कि जब आप हंस रहे होते हैं पूरी तरह तब विचारों का आना अपने आप बंद हो जाता है। जैसे तुइनो संग न होई भुआलू, हंसब ठेठाई फुलाऊ गालू। ठहाके लगाकर हंसना और गाल फुला के रखना दोनों एक साथ संभव है? नहीं। वैसे ठहाके लगा के हंसना और सोच विचार करते रहना दोनों एक साथ असंभव है। तो पहली बात जान ले कि ध्यान का महत्वपूर्ण आयाम है, विचार शून्यता में पहुंचने का महत्वपूर्ण आयाम है ठहाके लगाकर हंसना। और दूसरी बात मैं आपसे कहूं, इस पृथ्वी पर मनुष्य के अलावा कोई दूसरा जानवर कोई दूसरा पशु हंस नहीं सकता है। हंसने की क्षमता सिर्फ मनुष्य की है। और अगर तुम हंसते नहीं हो, आदमी हंसी भूल गया है इसीलिए कहते हैं आदमी जानवर हो गया है, और अगर तुमने हंसना शुरू नहीं किया जिंदगी में तो तुम जानवर ही रह जाओगे, ये निश्चित है। इसलिए मेरी शल्य चिकित्सा का महत्वपूर्ण आयाम है पहला आयाम हंसना। इससे आपके भीतर जो ग्रंथियां दबी हुई हैं, जो चेतना के बीज के ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं जिससे चेतना का बीज अंकुरित नहीं होता, ये पहली परत है कि आपने हंसी दबा ली है। दूसरी परत, जब इस परत को उभारते जाएंगे तो दूसरी परत अध्यात्म के वैज्ञानिक कहते हैं कि दुख चिंता और आंसुओं की है। आप रोना चाहे रो नहीं पाए, दुख व्यक्त करना चाहे आपको मुस्कुराहट दिखानी पड़ी। ऐसे अनंत काल से आपका रुदन, आपका रोना, आपका दुख चिंता तनाव उदासी ये सब आंसू बनकर दब गए हैं और उन पत्थर बन गए हैं जिसके नीचे आपका आत्मा का बीज दब गया है। भगवान शिव कहते हैं इस पत्थर को जो आत्मा के बीज के ऊपर पड़े हैं इनको निकालना जरूरी।